हरे कृष्णा। भगवद गीता के चौथे अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म न इति मामिति स अर्जुन। अर्थात भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव और कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त करता है। तो ऐसा ही भगवान का एक दिव्य कर्म है चातुर्मास में शयन करना अर्थात योग निद्रा। और भगवान की योग निद्रा का प्रारंभ होता है शयनी एकादशी से और उसी दिन से चातुर्मास का भी प्रारंभ होता है। और यही कारण है कि शयनी एकादशी हमारे लिए अत्यंत विशेष है। तो चलिए इस अत्यंत पवित्र शयनी एकादशी व्रत कथा का प्रारंभ करते हैं। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे केशव, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम क्या है और इस एकादशी का पालन करने की विधि क्या है। युधिष्ठिर महाराज की जिज्ञासा सुनकर भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और उन्होंने कहा, हे पृथ्वीलोक के संरक्षक, ध्यान से सुनिए। अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूँ जो कि सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। अब देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि परम वैष्णव नारद मुनि सदैव ही लोक कल्याण हेतु भिन्न भिन्न ब्रह्मांडों में विचरण करते रहते हैं और करुणामयी वे सदैव सामान्य बद्ध जीवों के उद्धार हेतु प्रयासरत रहते हैं। ऐसे ही जन कल्याण की जिज्ञासा लेकर एक दिन नारद मुनि तो पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। वहां जाकर उन्होंने पूछा, हे पिताश्री, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार वह भौतिकता में लिप्त बद्ध जीवों का उद्धार कर सकती है। नारद मुनि का प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे मेरे प्रिय पुत्र, भगवान श्री हरि की प्रिय एकादशी से अधिक मंगलमय अवसर क्या हो सकता है। जो भी व्यक्ति एकादशी का अनादर करता है ना, वह नरकगामी बनता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को शयनी एकादशी या पद्मा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसके विषय में अब मैं एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतयुग के समय में पृथ्वी पर सूर्य वंश के अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा मांधाता का राज्य था। उनके राज्य में समस्त प्रजागण अत्यंत सुखी, संपन्न और धर्मपरायण थी। राज्य का राजकोष नैतिक कमाई से संपन्न था और यही तो कारण था कि किसी भी प्राकृतिक आपदाओं और अवरोधों के बिना राजा मांधाता ने अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य किया था। लेकिन राजा के जीवन में एक ऐसा समय आया जब उसकी धर्मनिष्ठा और प्रजा वत्सलता पर प्रश्न उठ खड़ा हुआ। लगातार 3 वर्षों तक राज्य में वर्षा की एक बूंद नहीं गिरी और संपूर्ण राज्य अकाल की आंधी में लिपट गया। इन 3 वर्षों में अन्न और फलों का एक दाना भी नहीं उगा। अब देखिए, ऐसे समय में प्रजा का तो एक ही आश्रय स्थान होता है और वो है राजा। इसलिए सभी प्रजागण राजा मांधाता के पास पहुंच गए और उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे राजन, आपने सदैव हमारे हित के लिए विचार किया है। कृपया वर्षा और अन्न के अभाव की इस विषम स्थिति में भी हमारी रक्षा करें। हम आपकी शरण में आए हैं प्रभु। प्रजा की आर्द्र प्रार्थना सुनकर राजा ने कहा, शास्त्रों में वर्णित है कि यदि कोई राजा अधर्म का अनुसरण करता है तो उसका दंड उसकी प्रजा को भुगतना पड़ता है। मैं अपने भूत और वर्तमान पर गहरा चिंतन करता हूँ, लेकिन मुझे अपना ऐसा कोई पाप कर्म नहीं दिख रहा। फिर भी प्रजा के हित में मैं स्थिति का निवारण अवश्य करूँगा। इस प्रकार अपने मन में कुछ निर्णय करके राजा अपनी सेना और मंत्रियों के साथ वन की ओर निकल पड़े। जंगल में अनेक ऋषि मुनियों के आश्रम में होते हुए अंततः राजा मांधाता महान तपस्वी ऋषि अंगिरा के आश्रम में जा पहुँचे। अब ध्यान मग्न ऋषि की चारों ओर दिव्यता का प्रकाश पुंज फैला हुआ था। राजा ने ऋषि के पास जाकर दंडवत प्रणाम किया और ऋषि अंगिरा ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए स्वयं के और राज्य के क्षेम कुशल के समाचार पूछे।
राजा ने भी अत्यंत विनम्रता पूर्वक ऋषि को अपनी समस्या के विषय में विस्तार से कह सुनाया। राजा की इस विषम स्थिति को देखकर ऋषि अंगिरा ने कहा, हे राजन, वर्तमान सतयुग का समय धर्म के चार स्तंभों पर स्थापित है। इस युग में मात्र द्विज ब्राह्मण को ही वैदिक तपस्या करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन आपके राज्य में एक शूद्र है जो इस समय घोर तपस्या में संलग्न है। उसके इस आचरण के कारण ही तुम्हारे राज्य में वर्षा नहीं हो रही, इसलिए आप उस शूद्र को मृत्यु दंड दें, जिससे कि आपके राज्य में पुनः वर्षा और सुख समृद्धि वापिस आ जाए। ऋषि की बात सुनकर राजा ने दुखद वाणी में कहा, लेकिन ऋषिवर, मैं एक निरपराधी तपस्वी को दंड कैसे दे सकता हूँ? नहीं, ये मुझसे नहीं होगा। कृपया आप मुझे कोई और मार्ग बता सकते हैं? आखिरकार राजा की प्रजावत्सलता देखकर ऋषि अंगिरा अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, हे राजन, आप अपने परिवार और समस्त प्रजा सहित आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली शयनी या पद्मा एकादशी का नियम पूर्वक पालन करें। इसके प्रभाव से आपके राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा होगी और आपके भंडार फिर से धन धान्य से समृद्ध हो जाएंगे। ऋषि अंगिरा के वचन से संतुष्ट और प्रसन्न होकर राजा ने ऋषि को प्रणाम किया और अपनी सेना के साथ वापस अपने राज्य में आ गए। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में जब शयनी एकादशी आई तो राजा ने समस्त प्रजागण और अपने परिवार के साथ श्रद्धा और निष्ठा पूर्वक एकादशी व्रत का पालन किया। इस व्रत के पूर्ण प्रभाव से राज्य में प्रचुर मात्रा में वर्षा हुई और संपूर्ण राज्य फिर एक बार धन धान्य से संपन्न हो गया। कथा का समापन करते हुए ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से कहा, इसलिए हे नारद, ये व्रत समस्त जीवात्माओं को मुक्ति प्रदान करने वाला है। ब्रह्मा जी और नारद मुनि के संवाद को संपन्न करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से कहा, हे राजन, यह पद्मा एकादशी इतनी प्रभावशाली है कि जो भी व्यक्ति इसका श्रवण या पठन भी करता है वह पाप मुक्त हो जाता है। अब आपको जानकर प्रसन्नता होगी कि इस एकादशी को देव शयनी एकादशी, पद्मा एकादशी, विष्णु शयनी एकादशी, देवपोढ़ी एकादशी, आषाढ़ी एकादशी और महा एकादशी भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन से ही प्रारंभ होता है चातुर्मास, जो कि हमारी आध्यात्मिक प्रगति को तीव्र रूप से आगे लेकर जाने की क्षमता रखता है। हमारी संस्कृति में इस चार मास को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, क्योंकि इस मास के दौरान किया गया कोई भी आध्यात्मिक कार्य आपको अनेक गुना अधिक फल प्रदान करता है और यही कारण है कि इस चार मास में व्यक्ति को अधिक से अधिक हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, शास्त्रों का अध्ययन, हरि कथा का श्रवण और अपनी क्षमता अनुसार अधिक से अधिक दान करना चाहिए। इस एकादशी का पालन कैसे करना चाहिए उसके ऊपर हमने विशेष व्रत विधि वीडियो बनाया है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। भगवद गीता के 18वें अध्याय के 68वें श्लोक में भगवान कहते हैं, य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिधास्यति भक्तिं मयि परां कृत्वा मामेव वैष्यति असंशयः। अर्थात जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में वह मेरे पास वापस आएगा। अब जरा सोचिए, भगवान का दिव्य संदेश किसी को बताने से इतना बड़ा फल मिलता है, तो यदि आप भगवान को ही किसी और को भेंट स्वरूप में देंगे तो क्या फल मिलेगा? आपको भी और आप जिनको दे रहे हैं उनको भी। जी हाँ, ऐसा एक छोटा सा प्रयास हमने भी किया है। हमारे भक्तों की मंडली ने अत्यंत प्रेम और भक्तिभाव पूर्वक सुंदर हैंडक्राफ्ट के जगन्नाथ, बलदेव और सुभद्रा जी को तैयार किए हैं। इनके साथ साथ पतित पावन जगन्नाथ जी भी हैं, जो कि और सुंदर है और 3D फॉर्म में है। इस शयनी एकादशी पर आप संकल्प लीजिए और अपने मन में किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिन्हें भगवान श्री जगन्नाथ जी की सबसे अधिक आवश्यकता है, और उनके लिए आप ये सर्वश्रेष्ठ उपहार दीजिए, और वो उपहार हैं जगत के नाथ स्वयं जगन्नाथ जी। जी हाँ, आज ही हमारी वेबसाइट neelachal.com पर जाइए और जगन्नाथ जी को आमंत्रित कीजिए अपने लिए और अपने किसी विशेष व्यक्ति के लिए,
और हमें पूरा विश्वास है कि जिन्हें आप जगन्नाथ जी उपहार रूप में देंगे उनका चातुर्मास तो केवल प्रतिदिन जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए भी सबसे अच्छा जाएगा। तो प्रतीक्षा मत कीजिए, अभी जाइए नीलाचल.com पर, क्योंकि है जगन्नाथ का साथ तो है जीवन में उल्लास। यदि आपको ये एकादशी वीडियो पसंद आया है और आने वाली एकादशी कथा बनाने के लिए आप हमारी सहायता करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें अपना आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। और हाँ, ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी तो सारे वीडियो आप तक पहुँच पाएंगे ना। तो चलिए चातुर्मास का मंगलमय प्रारंभ करते हुए इस देवशयनी एकादशी का श्रद्धा और निष्ठापूर्वक पालन करते हैं और अपने आध्यात्मिक जीवन को अधिक सशक्त बनाते हैं। हरे कृष्णा।